आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आज शाम के इस शुद्धिकरण के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो ये शाम का शुद्धिकरण या सफाई का जो सत्र होता है, इसमें हम जो हमारा हार्टफुलनेस पद्धति का जो क्लीनिंग या सफाई का जो मेथड है, उसका हम प्रैक्टिकल रूप से, गाइडेड रूप से इसका अभ्यास करते हैं। तो इससे पहले कि हम आज का जो ये गाइडेड सेशन है क्लीनिंग का, वो शुरू करें, मैं संक्षिप्त में आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्लीनिंग क्यों जरूरी है। ये जो शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इस पर इतना बल दिया जाता है। दोस्तों, होता ये है कि हम जो लोग हैं, हम सब सांसारिक लोग हैं, हम घर गृहस्थी वाले इंसान हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है। तो हम सब लोग दिन भर में किसी ना किसी कार्य में, किसी ना किसी गतिविधि में, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो होता ये है कि जो भी हम कार्य करते हैं दिन भर, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, तो उसका जाने अनजाने में हमारे माइंड के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तरह से इंप्रेशंस हमारे हार्ट के ऊपर उन एक्टिविटीज के, उन गतिविधियों के पड़ते हैं। तो हम सफाई की इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने हृदय से उन जो छापों को, उन प्रभावों को अपने अंदर से डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं। तो अभी हम इमीडिएटली इसका क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आप सब अपने आप को सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए तैयार कर लें। जो भी आपको सुझाव दिए जाएं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं, आपको वैसा वैसा अपने अंदर महसूस करना है। कृपया बहुत ही हल्के से, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। अपने आप को आरामदायक स्थिति में ले आएं। अब हम मानसिक रूप से अपने अंदर मौजूद सभी जटिलताएं, सभी अशुद्धियां साफ करेंगे। यह विचार करें कि वे सब आपके अंदर से साफ हो रहे हैं। इस विचार पर बने रहें कि आपके अंदर मौजूद सभी जटिलताएं और अशुद्धियां आपके अंदर से बाहर जा रही हैं। वे सभी आपके पीठ के पिछले भाग से, सर से लेकर रीढ़ की हड्डी के निचले मनके तक, यानी आपकी पूरी पीठ से बाहर जा रही हैं। ये सभी जटिलताएं और अशुद्धियां आपके पूरे तंत्र से, पूरे शरीर से, पीठ के रास्ते से धुएं या वाष्प के रूप में बाहर निकल रही हैं।
उन विशेष घटनाओं या बातों के बारे में विचार ना करें जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हों, बल्कि धीरे से सब कुछ अपने अंदर से बाहर निकल जाने दें। पूरे भरोसे और आत्मविश्वास के साथ सफाई की इस प्रक्रिया में तीव्रता लाएं, तेजी लाएं। और आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहें।
यदि आपका ध्यान भटक कर दूसरे विचारों की ओर जाता है, तो अपने ध्यान को पुनः सफाई की इस प्रक्रिया की ओर लेकर आए। जैसे जैसे ये छापें आपके पीठ के पीछे से बाहर निकलेंगी, वैसे वैसे आप अपने हृदय में हल्कापन महसूस करने लगेंगे। जब आप बहुत हल्कापन महसूस करने लगें, तो इसका अर्थ है कि आप स्रोत से जुड़ गए हैं। महसूस करें कि स्रोत से
एक पवित्र धारा सामने की ओर से आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। यह पवित्र धारा इन छापों को पीछे की ओर से निकालने में आपकी सहायता कर रही है। जटिलताओं के निकल जाने से आप सरलता का अनुभव कर रहे हैं। और अशुद्धियों के निकल जाने से आप शुद्धता का अनुभव कर रहे हैं। यह पवित्र धारा आपके हृदय के रास्ते शरीर के हर कोने में, हर एक कोशिका में भर रही है। आपका पूरा शरीर पवित्र होकर ईश्वर का मंदिर बन गया है। अब कृपया धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। आशा करता हूँ कि क्लीनिंग के इस प्रोसेस के बाद आप तरोताज़ा महसूस कर रहे होंगे, फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। यदि
हमारे अंदर थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है तो हम यह महसूस कर सकते हैं कि सफाई से पूर्व हमारी क्या कंडीशन थी और सफाई के पश्चात हमारी क्या कंडीशन है। जिस प्रकार से गर्मी के मौसम में हम दिन भर अपना काम करके अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पे दिन भर अपना काम करके पसीने से लथपथ थके हारे हम घर पे आके शावर लेते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, तो उस समय जो हमारे शरीर को जो फ्रेशनेस का, जो तरोताजा होने का जो अनुभव होता है, कुछ वैसा ही अनुभव सफाई की प्रक्रिया के बाद जो हमारा मन है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा हृदय है, उसे भी कुछ वैसा ही खिलापन, तरोताजापन महसूस होता है। तो हमारा जो ये सफाई का सत्र है अभी यहीं समाप्त होता है। कल सुबह जो हमारा ध्यान का सत्र है उसके लिए हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। Mm-hmm.